हमने वैदिक मैथ में पिछले लेक्चर में आपको बताया कि 999 से रिलेटेड अगर नंबर हो, ट्रिपल डिजिट्स वाले नंबर हो, लेकिन वो 1000 के काफी क्लोज हो, तो उन्हें हम कितनी आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि अगर हमें स्क्वायर करना हो नंबर्स को, तो हम कितनी आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 102 और 102, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ये जो नंबर है ये काफी क्लोज है 100 के, है ना, नियर अबाउट 100 के ही पास है ये। तो हमने ये देखा ये कितना इससे 100 से कितना ये प्लस में है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस 02 है, ये भी 100 से कितना प्लस में, प्लस 02 है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके कैलकुलेशन को करने के लिए आप, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे 99 का केस होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसमें ऐड करेंगे, 102 में 02 ऐड करो कितना आएगा 104, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 102 में 02 हम ऐड करेंगे, इसीलिए प्लस का साइन लगा, ऐड करेंगे तो 104 आएगा, और 02 में 02 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 04 आया, और इसका आंसर ये होगा। आइए, ये नहीं समझ आया, और एक देखते हैं, 104 और 104 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये देखिए, प्लस 04 लिखेंगे, प्लस 04 लिखेंगे, इनको हम ऐड अप कर देते हैं। 104 में 104 में 04 ऐड होगा, 108 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 16 आया। तो इसे हम देख लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं, 104 और 108 16। आइए और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा 109 को अगर सॉल्व करना है तो आप देखिए कि हम इसको ले सकते हैं प्लस 09 और 99, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 81। ये इसका आंसर होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, 109 स्क्वायर 1181। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना क्लोज हो रहा है, मतलब 100 के कितना क्लोज है। हालांकि आप इसको आगे भी फर्दर भी ट्राई कर सकते हैं कि 121 के केस में देख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वो भी इसका तरीका, यू कैन सॉल्व, बट सबसे पहले आप इन नंबरों से इनकी प्रैक्टिस करें। एक और हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक मैथ में मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका, टू डिजिट्स में, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो 100, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका 11 हो, उसमें टू डिजिट में कोई 11 हो। जैसे मान लेते हैं हमने ये 12 और 34 मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम इन्हें, इसको हम पहले बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम, इसका मतलब सबसे पहले इन्हें ऐड कर दो, वो इन्हें आप मल्टीप्लाई करो, 8 लिखा, फिर आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब 1 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 4 के साथ 4 आएगा, 3 2 के साथ कितना हो जाएगा 10, तो 10 आया तो 0 यहां पे लिख देंगे, 1 कैरी करेंगे, और फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, इस पे एरो लगा, इसका मतलब है कि इसके साथ 3 और 1 का मल्टीप्लाई करो, और जो कैरी ऑन 1 हुआ उसमें ऐड कर दो, 3 बन जाए 3 और ये हो गया 4, आ गया 40। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं 64 और ये 32 हमने लिखा, इसका मतलब, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और ये ऐड अप कर देंगे इन्हें, तो यह 24, 4 को यहां कैरी करेंगे, 4 को यहां ले लेंगे, 2 को कैरी करेंगे, 6 3 18 18 2 20। तो देखिए, 64 मल्टीप्लाइड बाय 32 गिव्स 2048, ये 0 है। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए जैसे हमें लिखना हो, जैसे 24 है और ये 16 है, इसका भी मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब हम अभी के केस में, हम यहां पर
देखिए जब भी कभी टू डिजिट वाला मल्टीप्लाई करके आता है तो वो हमेशा वन कैरी ऑन होता है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे हमने लिखा 13 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 3 टू जा 6, 3 वन जा और 2 जा, तो 3 टू 5 और 1 वन जा 156। तो टू डिजिट वाले बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिए और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस वैदिक मैथ्स में कॉम्पिटेंट हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।